इंदौर एसटीएफ ने आईपीएल का सट्टा चला रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 40 मोबाइल फोन्स, 15 लाख रुपए नगद, एलईडी टीवी, लैपटॉप और करोड़ों के हिसाब किताब की पर्चियां जब्त की है। अब एसटीएफ की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद टीम बड़ा खुलासा भी कर सकती है। इंदौर एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आईपीएल का सट्टा पकड़ा है। दरअसल एसटीएफ को उस मुखबिर से सूचना मिली थी कि निरंजनपुर और उषानगर के एक फ्लैट में बड़े पैमाने पर आईपीएल मैच का सट्टा चल रहा है। सूचना पर एसटीएफ की दो टीमों ने दोनों ही जगह एक साथ दबिश दी और मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से 40 मोबाइल फोन्स, 15,19,000 रुपए नगद और करोड़ों रुपयों का हिसाब किताब के दस्तावेज जब्त किए। वहीं उषानगर से एलईडी टीवी, लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। आरोपियों ने अलग अलग नाम से आईडी बना रखे थे, जिसके माध्यम से ये आईपीएल मैच का सट्टा खेल रहे थे। पूछताछ के बाद पुलिस टीम एक बड़े गिरोह का खुलासा कर सकती है। आरोपियों के पास से 40 मोबाइल फोन और सट्टे का रिकॉर्ड जो होता है, रजिस्टर वगैरह, राइटिंग पे डायरी, एक एलईडी, दो लैपटॉप और एक 18 जो टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए एक जो कॉन्फ्रेंस बॉक्स होता है, इसके अलावा कई दस्तावेज, वॉइस रिकॉर्डर आदि जब्त किए गए। ये कार्रवाई एक जो फ्लैट है 508 वसुंधरा गैलेक्सी गोल्डन पाउंड निरंजनपुर इंदौर में ये कार्रवाई की गई है। और वहाँ से इसके अतिरिक्त जो सेकंड दबिश जानकारी पे जो लगी थी वो उषानगर पे हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।